क्वेश्चन नंबर एट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडाइज मोस्ट इजीली, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर थ्री में देखिए क्या है, ईथर है, तो ईथर का तो सबसे पहले नंबर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ईथर जो है आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, और करता भी है तो एसिडिक मीडियम में कभी कभी करता है HBrHx वगैरह के साथ, ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडाइज होने से रहा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये फिनॉल है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। बेंजाइलिक अल्कोहल होता तब हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट फिनॉल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से अब बचा ले देखे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए में जो अल्कोहल है वो है 2 डिग्री अल्कोहल और ऑप्शन थ्री में है 3 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल में यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है, और यहाँ पर जो है 3 डिग्री में वैसे तो ऑक्सीडेशन इजिली होता नहीं है, और होता भी है तो एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो हमेशा जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले अल्कोहल में ऑक्सीडेशन जो है 2 डिग्री वाले का सबसे फास्ट होता है, 1 डिग्री का सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री का, और फिर 3 डिग्री का रेयर केस में होता है। खैर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है K2Cr2O7। K2Cr2O7 मतलब ये एक प्रकार से स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस वाले OH का ऑक्सीडेशन करेगा। देखिए OH है और अल्कोहल है, तो बेसिकली अल्कोहल बदलता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड बदलता है एसिड में, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एसिड है तो एसिड तो किस में बदलेगा, ये तो किसी में ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है बदलता है किस में, कीटोन में बदलता है, तो सबसे पहला नंबर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा कीटोन, और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा COH, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पर ये बन गया ये अल्फा पोजिशन और ये बीटा पोजिशन, तो ये बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, अल्फा बीटा पोजिशन पर कीटोन ग्रुप है और एसिड है। इस तरह के एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से यहाँ पर हो जाता है डी कार्बोगिलेशन मतलब CO2 गैस फट से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही CO2 यहाँ से बाहर आएगा है ना, तो यहाँ पर जो ये CO2 बाहर आके और ये हाइड्रोजन इसे डाइजोल्व हो जाएगा, और फाइनली जो है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।